हेलो एवरीवन, आजकल अच्छा दिखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है सारी एज ग्रुप्स के लिए। ये नहीं कि जो यूथ है उनके लिए ही अच्छा दिखना है, 40s, 50s, 60s में भी सब लोग अब अच्छा दिखना चाहते हैं। और अच्छा दिखने के लिए हेल्दी स्किन तो होनी ही चाहिए, पर अच्छी बॉडी शेप भी होनी चाहिए। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन पे। बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है कि लाइपोसक्शन होता क्या है। तो आज का वीडियो है लाइपोसक्शन पे, ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइपोसक्शन होता क्या है? लोग समझते हैं कि लाइपोसक्शन एक वेट लॉस की सर्जरी है, जबकि ये सच नहीं है। लाइपोसक्शन एक बॉडी शेपिंग सर्जरी है, यानी वो सर्जरी जिससे हम किसी बॉडी पार्ट को एक शेप दे सकते हैं। अब ये किन लोगों को करानी चाहिए? ऑब्वियसली अगर ये बॉडी शेपिंग सर्जरी है तो ये हम वहाँ एडवाइस करते हैं जहाँ ओबेसिटी इज़ नॉट अ इशू, यानी कि हर इंसान का एक BMI होता है। अब BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी हाइट और आपके वेट पर। अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबेस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपका ओवरऑल बॉडी वेट ही ज़्यादा है। अगर आपका ओवरऑल बॉडी वेट ज़्यादा है तो हम हर जगह से तो फैट नहीं निकाल सकते, क्योंकि फैट डिस्ट्रीब्यूट होता है एकदम स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के ऊपर। अब ऑर्गन्स के ऊपर का फैट तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब जो लाइपोसक्शन सर्जरी है वो सिर्फ स्किन के नीचे का फैट हटाती है। तो अगर आप ओबेसोजेनिक कैटेगरी में हैं, अगर आपका BMI 30 से ऊपर है, तो आपको बेरियाट्रिक सर्जरी या बलून सर्जरीज वो सब करानी चाहिए। लाइपोसक्शन आपके लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। लाइपोसक्शन सिर्फ वो लोग कराएं जहां पर उनको किसी पर्टिकुलर एरिया में फैट एक्यूमुलेशन दिख रहा है। जैसे लेडीज़ के केस में होता है, जेंट्स के केस में होता है कि लोअर एब्डोमेन पे फैट लटक रहा है और जब वो क्लोथ्स पहनते हैं तो वो एक बल्ज जैसा बड़ा अजीब सा दिखता है, वहाँ हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं। कुछ लोगों के आर्म्स इतने बैगी होते हैं, लटक रहे होते हैं, वहाँ भी इंडिकेशन है आपके लाइपोसक्शन का। डबल चिन बहुत अच्छा इंडिकेशन है लाइपोसक्शन का। हिप्स अगर बहुत ज़्यादा है, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही कैंडिडेट्स अगर लाइपोसक्शन कराएंगे तो उनको बाद में रिजल्ट्स भी अच्छा लगेंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं लाइपोसक्शन करा लूँगा और मैं पूरा ही पतला हो जाऊँगा, ये सोचना गलत है। एक पर्टिकुलर एरिया पे फैट एक्यूमुलेशन के लिए जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है उसी को लाइपोसक्शन कहते हैं। अब लाइपोसक्शन के अराउंड कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि मेरा कितना केजी वेट कम हो जाएगा अगर मैं लाइपोसक्शन कराऊंगा। तो ऑब्वियसली अगर ये एक बॉडी शेपिंग सर्जरी एक पर्टिकुलर पार्ट पे हो रही है तो जितना फैट उस पार्ट से हम निकाल रहे हैं उतना ही कम होगा। तो अगर आप एक एवरेज माने 2 से 5 किलो हमारा वेट कम हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मैं स्टमक के अराउंड लाइपोसक्शन कराता हूँ तो मेरा डाइजेशन अफेक्ट होगा? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइपोसक्शन वो सर्जरी है जहाँ स्किन के नीचे से हम फैट निकाल रहे हैं, हम ऑर्गन्स के लेवल तक तो जा ही नहीं रहे हैं, तो इससे कोई भी ऑर्गन फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होती। डाइजेशन अगर आप हिप से निकाल रहे हैं या किडनी बैक से निकाल रहे हैं तो कोई भी किडनी या किसी तरह का ऑर्गन फंक्शन अफेक्ट नहीं होता। फिर लोग मुझसे पूछते क्या ये परमानेंट है, एक बार हमने करा लिया तो फिर हमें आगे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं होता। बॉडी फैट को डिपॉजिट करने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब आपका बॉडी के अंदर इनटेक, यानी कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, उसको बर्नआउट कम कर रहे हैं, तो बॉडी हर मैक्रोन्यूट्रिएंट को, इवन फैट्स को, प्रोटीन्स को और आपके कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में कन्वर्ट करके स्किन के नीचे स्टोर करना शुरू करती है। तो अगर आपने लाइपोसक्शन कराया और उसके बाद इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा कि आप अपना डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप वेट गेन करे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लाइपोसक्शन की बाद में भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसीलिए इसको
जब आप सर्जरी कराएं तो उसके बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी ज़रूर मेंटेन करें ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आएं। एक कॉमन चीज़ स्पेशली लेडीज़ और जेंट्स जिनका लोअर एब्डोमेन पे फैट आता है वो हमसे पूछते हैं कि आपने लाइपोसक्शन कर दोगे तो स्किन और लूज़ हो जाएगी, उस केसेस में क्या करना चाहिए। उस केसेस में हम एडवाइस करते हैं टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी। अब टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी एक इस तरह की सर्जरी है जिसके अंदर लाइपोसक्शन एक पार्ट होता है और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो भी रिमूव करके आपको एक यूनिफॉर्म टाइट लुक दी जाती है। इसीलिए टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी आजकल बहुत लोग कन्वीनियंटली कराते हैं। ये बहुत सिंपल तरह की सर्जरीज है, वर्ल्ड ओवर होती है, रीजनेबली सेफ सर्जरीज है, बहुत ज़्यादा इनका डाउन टाइम नहीं होता, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। और वो लोग जो एक्सरसाइज और डाइट कर करके थक गए हैं फिर भी एक पोर्शन का फैट नहीं हटा पा रहे, उनके लिए तो डेफिनेटली लाइपोसक्शन इज़ द ट्रीटमेंट फॉर चॉइस। तो किस लिए वेट कर रहे हैं, ज़रूर इसके बारे में सोचिए। और अगर आप कैंडिडेट हैं यू विल रियली लव द इफेक्ट्स ऑफ द सर्जरी। Thank you so much.